नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो कि आपका 24 फरवरी को है, और उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अप्रॉक्स 5 या 6 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, तो ये आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आप इनको अच्छे से और पूरा वीडियो देखें तभी इसको आपका अच्छा एडवांटेज मिल पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, ठीक है, वो व्यक्ति जो नींद में चलता है। जैसे आपने देखा होगा कभी सुना भी होगा कि कुछ लोग जो है नींद में ही उठ के और चलने लगते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है, निद्राचार, मतलब नींद में चलना को क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इनको अच्छे से देख लीजिए। और नेक्स्ट हमारा है फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, मतलब आपके घर के चारों ओर की जो चीज़ें हैं उनसे जो एक डर होता है उसको क्या कहते हैं, इकोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स के लिए हुआ इकोफोबिया। हिंदी में भी मैंने इसको दे रखा है, हिंदी में मैंने इसको लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी आप अच्छे से आप इसको समझ लीजिए जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, और बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, आप जल्द से जल्द आपको रिवीजन करना होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम 24 फरवरी को है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, कोई भी अवस्था है जो पहले थी, पहली अवस्था में किसी चीज़ को रिस्टोर कर देना या उस चीज़ को वैसे ही बदल देना को क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं, पुनर्स्थापित करना। सपोज दैट कोई संस्था है जो आज की डेट में वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में पहुंच गई है और कोई ऐसा व्यक्ति उसको मैनेज करता है, मैनेजर आता है जो उसको पहले जैसा ही लाभ की स्थिति में पहुंचा देता है या पहले जैसा ही कंडीशन में उसको चेंज करता है तो क्या कहा जाएगा, रिहैबिलिटेट, पुनर्स्थापित करना, पहले जैसी अवस्था में ला देना को क्या कहते हैं, रिहैबिलिट, पुनर्स्थापित करना। ओके और नेक्स्ट हमारा है लवर ऑफ डॉग्स, कुत्तों को शौकीन, मतलब कुत्तों को जो पालता है या उनको पसंद करता है तो उनको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैनोफिलिस्ट, ठीक है। लवर ऑफ डॉग्स के लिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कैनोफिलिस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, इसका होगा इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट हमारा है वन हु अटैक्स, जो आक्रमण करता, जो व्यक्ति किसी पर आक्रमण करे तो उसको क्या कहेंगे, हमलावर, असलेंट, हमलावर। सपोज दैट आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको मारता पीटता है या कुछ भी हमला करता है तो वो व्यक्ति जो हमला करेगा उसको क्या बोलेंगे, असलेंट यानी हमलावर। नेक्स्ट हमारा है ऑफरिंग मेड टू गॉड, ईश्वर को कुछ अर्पित करना या देना को क्या कहा जाएगा, बलि, चढ़ावा या आहुति, ऑब्लेशन,
जैसे सपोज दैट हम इस प्रकार इस चीज़ को समझते हैं, सपोज दैट हमारे घर में कभी भी कोई यज्ञ पूजा होती तो हम वहाँ पे बैठ के कुछ भी जो है अग्नि को या अर्पित करते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ अर्पित करते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऑब्लेशन, बलि या चढ़ावा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए एक वर्ड है पोस्टेरिटी, भावी पीढ़ी। नेक्स्ट हमारा है ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक माला जो होती है, कई सारे फूलों की एक माला जो होती है उसको क्या कहेंगे हिंदी में, पुष्पहार, और ये होगा रथ, रथ ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट हमारा है ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग बैड दैट समबडी एल्स हैज डन, मतलब वो व्यक्ति जिसने जिसको ब्लेम किया गया हो बट वो उस चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं हो, मतलब कोई भी काम जो उस व्यक्ति ने किया नहीं है बट उसको ब्लेम किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, बलि का बकरा बनाना, स्केप गोट, इसके लिए एक वर्ड होगा स्केप गोट। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है द स्टडी ऑफ साउंड। द स्टडी ऑफ साउंड मतलब हमारा जो साइंस की कई सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें हम अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, वैसे ही ध्वनि शास्त्र, एकॉस्टिक्स, जिसमें हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं, उस साइंस को, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, अकोस्टिक्स। और नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट स्टोरी विद ए मॉरल, एक छोटी एक लघु कथा जिसमें क्या कोई नैतिक संदेश मिलता हो तो उसको क्या कहते हैं, नीति कथा, पैराबल, उसको नीति कथा कहते हैं जिसमें कि कोई एक अच्छा संदेश जाता हो उसको हम नीति कथा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स, एनिमल्स विद ए मॉरल इन द एंड, इसको क्या कहते हैं, फेबल, दंत कथा, एक छोटी कहानी या एक ऐसी कहानी जिसमें कि पक्षियों, जानवरों के बारे में एक स्टोरी हो और उसका अंत, उसके अंत जो हो तो उसमें एक नैतिक संदेश दिया जाता हो तो उस कहानी को क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं, दंत कथा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वो व्यक्ति जो न्याय से भागता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूगिटिव, भगोड़ा, फ्यूगिटिव, भगोड़ा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन हु इज टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, वो व्यक्ति या नेशन या जिसको कि आप हरा नहीं सकते हो इतना मजबूत, तो उसे क्या कहेंगे, अजय, इनविंसिबल, ठीक है। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सिकंदर महान था, उसको हराना बहुत ही मुश्किल काम था, तो वो क्या, उसे क्या कहा जाएगा, अजय कहा जाएगा, इनविंसिबल, कि सिकंदर महान एक इनविंसिबल किंग था जिसे हराना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट हमारा है लीव पर्सनल स्टेट टू ए पर्सन बाई विल, अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति के लिए अपनी संपत्ति को, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को छोड़ना, को क्या उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, बिक्वेथ, बिक्वेथ होगा वसीयत। और नेक्स्ट हमारा है वन हु इज बैनिस्ड फ्रॉम होम और हिज कंट्री, जिसको देश से बाहर कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं, निर्वासित, एक्साइल, इसके लिए एक वर्ड होगा एक्साइल, निर्वासित। नेक्स्ट हमारा है वन हु गेट्स प्लेजर इन अदर ट्रबल्स एंड पेन, वो व्यक्ति जिसको किसी को कोई परेशानी या दर्द में देखने पे उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं, सैडिस्टिक, परपीडक कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे
है इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और डेफिनेटली आपको इसमें से दो या तीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और तो मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा जिससे कि आपको हाई कोर्ट के होने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तभी आपको ऐसे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और आप इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।